Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लेकिन अल्ताफ भाई, आखिर इसकी वजह क्या है? खबर, बच्चे बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, खुसूसन खुर्रम। वो बगावत उसमें जन्म ले रही है। सारा बता रही थी कि वो न सिर्फ ये कि टेंस है, बल्कि घर से जाने की धमकियां भी दे रहा है। मुसीबत में है तो यहाँ क्या कर रही है? हमें फंसाने के वास्ते आई है क्या? अच्छा तू छोड़, तू ये बता, तू खाना खाएगा? काश मैंने अपने आप को पहले बदल लिया होता। इस तरह पछतावे की आग सफर मेरे वजूद को जला नहीं रही होती। अरे घबरा क्यों रही है, खा नहीं जाऊंगा। तेरी तो अभी मजा चखाता हूँ तुझे मैं। चल। वो मारती है। आंखें दिखाती हूँ मुझे। मुझे लगता है कि यहाँ रहकर मेरे बच्चों की शख्सियत बर्बाद हो जाएगी। ये वक्त, ये उम्र उनकी तालीम के लिए बहुत अहम है। ऐसे में अगर वो ज़हनी दबाव का शिकार रहे तो उनकी शख्सियत तो टूट फूट जाएगी। नाना, अगर हमारे जाने के बाद मामा वापस आ गईं तो? लेकिन अगर उन्हें हमारी परवाह होती या हमसे मोहब्बत होती तो ऐसा कभी नहीं होता। खुर्रम क्या कहता है बेटा? वो भी दुबई नहीं जाना चाहता और मैं भी नहीं, लेकिन हम उन्हें कैसे रोकें? नाना प्लीज आप उनसे बात करें ना। बेटा तुम्हारे पापा ठीक कहते, निर्मला और अरमान का फोन बंद क्यों आ रहा है? अरे अक्षत साहब, आप? थैंक गॉड आपकी सूरत नजर आई। अनिल कहाँ है? अनिल? अनिल का मुझे क्या पता, वो तो जिस दिन से ये मकान बेच के गया है बिल्कुल गायब ही हो गया। मकान का सौदा करके चला गया? क्या मामा, इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा था। इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही, और इतने शोर में रहोगी ना तो बहरी हो जाओगी। जब आप और पापा चीखो पुकार करते हैं तो आपको ख्याल नहीं आता? बहुत बदतमीज नहीं होती जा रही हो तुम? तो
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ऋशान कौन? मामा आपका फोन है किसी ऋशान अंकल का। हेलो, मैं तुम्हें फोन करती हूँ अभी थोड़ी देर में। मामा ये ऋशान अंकल कौन है? कोई भी हो, तुम ये बताओ कि तुमने मेरा फोन आंसर क्यों किया? मामा फोन बज रहा था, अगर मैंने अटेंड कर लिया तो क्या हो गया? बहुत बुरी बात है किसी का सेल फोन इस तरह से अटेंड करना उसके कॉल को। आइंदा कभी तुमने इस तरह हाथ लगाया ना मेरे फोन को तो अच्छा नहीं होगा। इतनी देर से क्यों आई हैं? मैंने आपको बताया था ना कि पापा। हाँ तुमने मुझे बताया था, तुमने डॉक्टर को फोन किया था ना, फिर मेरी क्या जरूरत थी? मामा वो आपके शौहर हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। बच्चों के जहन में भी ये शख्स मेरे खिलाफ नफरत भर रहा है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख भी सकती हूँ और सब समझ भी रही हूँ। क्या देख रही हो तुम, क्या समझ रही हो तुम, बताओ क्या बकवास कर रही हो तुम? यही क्या उस लड़के के साथ? शट अप। हाँ तुम फ्रॉक खाने के जादू। तौबा है, मेंढक कौन खाता है? चाइनीज में मिला होता है ना वो फ्रॉक चूंची चा। हाँ मैं बच्चों के साथ हूँ इस वक्त। नहीं आज पॉसिबल नहीं हो सकेगा, मैंने बताया ना कि मैं बच्चों के साथ हूँ, फिर बाद में बात करूँगी। हाँ जी तो फिर क्या आप जा रही हैं ना? हाँ जा तो रही हूँ लेकिन तुम दोनों के साथ। आज चल के किसी अच्छी सी जगह पे कुछ खाना वाना खाते हैं, ठीक है ना? तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, कम ऑन, गेट अप गेट अप गेट अप, जल्दी 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 जल्दी। जी ये मकान अनिल ने बेच दिया 2 करोड़ में। मेरा ये घर बिक गया और अनिल ने पेमेंट भी ले ली, मुझे कुछ पता भी नहीं। देखिए ये आप दोनों के आपस का मामला है, मैं तो यूसुफ साहब को जिन्होंने ये मकान खरीदा है उनको लेकर आने वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपसे मीटिंग कर लूं और पता कर लूं कि ये मकान आप कब खाली कर रही है। कैसे कर दूं मैं ये घर खाली, मुझे तो नहीं पता ना मेरा घर बिक गया है। आपको याद होगा कि आपने अथॉरिटी लेटर पे साइन किए थे और अनिल को अथॉरिटी दी थी कि वो ये मकान सेल कर सकता है। हमारे पास सेल एग्रीमेंट और इस मकान के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये मकान यूसुफ साहब का है और आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना मुझे साथ ले चलो, मगर तुम बाप बेटे हम औरतों की बात पर तो ध्यान ही नहीं देते। मैंने कोशिश तो की थी खावर की माँ, लेकिन अल्ताफ के लहजे
اور لفظوں کے انتخاب نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گا. اس کی اسی ضدی طبیعت نے میری جویریہ کی زندگی تباہ کر دی. اب کیا ہو سکتا ہے انیسا بیگم؟ آئے آئے میرے بچے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ الطاف بھائی سارا کو یہاں ہمارے پاس چھوڑ دیں ہمارے گھر؟ نہیں وہ راضی نہیں ہے. آپ بات کر کے تو دیکھیں. دراصل اماں بہت روتی ہیں. تم لوگوں کے کہنے سے پہلے ہی میں نے ان سے کہا تھا لیکن وہ مانے نہیں. خاور یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اچھا بس ختم کرو اس موضوع کو. کیا بات ہے آپ کچھ پریشان ہیں؟ نہیں پریشان تو نہیں ہوں. البتہ مجھے نہیں بتائیں گے؟ مشورہ تو تم نہیں دینا ہے. مجھے بتائیں تو صحیح کہ بات کیا ہے. وہ جینی میرا مطلب ہے. اب کیا ہو گیا کوئی دوسرا؟ ہاں وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے. کس سے؟ ہے کوئی لڑکا لیکن ابھی اس نے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی. میں نے پہلے ہی کہا تھا بی بی میرا بھائی بہت آوارہ ہے. اب تو مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جانا. میں دن رات تمہاری چوکی داری نہیں کر سکتی بی بی. اس سے بہتر ہے تم کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو. میں کہاں جاؤں گی؟ بہتر ہے تم کسی مرد سے نکاح کر لو. بی بی جس عورت کا زمانے میں کوئی نہیں ہوتا نا اسے لوٹ کا مار سمجھ کے سارے آدمی ہاتھ بڑھاتے ہیں. بہتر ہے تم کسی شخص سے نکاح کر لو اور خود کو ان بھیڑیوں سے بچا لو. یہاں ہماری بستی میں ایک آدمی ہے آدم خان. بیوی بھی مر چکی ہے اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے اور عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے 55-60 سال کا ہوگا اور پیسے بھی اچھے خاصے ہیں. اگر تم بولو تو میں بات کروں اس سے. میں اب ایسی گری پڑی بھی نہیں ہوں. تمہاری مرضی بی بی میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی. نمستے سرپنچ جی. کہیے کیسے آنا ہوا؟ نرملا کہاں ہے؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے بلاؤ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے. وہ کالج گئی ہے. کالج؟ اچھا ایڈریس دے دو مجھے کالج کا. دیکھیے سرپنچ جی میں آپ سے بنتی کرتی ہوں آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیے. جب تک تو مجھے سچ سچ نہیں بتائے گی میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. ہرملا دبئی چلی گئی. دبئی؟ دیکھ جوئی مجھے تیری کسی بھی بات پر وشواس نہیں. کبھی تو کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے. آپ کو یہ سب کچھ پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے سرپنچ جی. ادھیکار؟ ادھر نرملا غائب ہے اور ادھر تیرا پریمی انیل اس کا پریوار غائب ہے. جو ہی مجھے تو کچھ گال میں کالا لگ رہا ہے.
क्या मतलब है आपका इन बातों से? मेरा ख्याल है कि तू और अनिल निर्मला के साथ कुछ कर दिया तुम लोगों ने। किस्म की बातें कर रहे हैं आप? लगता है तीर निशाने पे लगा है, परंतु कोई ना कोई चक्कर है जरूर। फौरन यहां से निकल जाएं आप, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये मोबाइल लो, इसमें थाने का नंबर है, फौरन पुलिस को बुला लो। लो आखिर आप चाहते क्या है? अब हुई है ना काम की बात। अच्छा चल ये बता कि अनिल अपने परिवार को लेकर कहां छुपा? भगवान की सौगंध, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? देख जुई, मैं तुझे एक सीधी सादी नारी समझता था, परंतु तू तो बहुत ही चलाक निकली। अपने पिता की सारी जायदाद की अकेली मालिक बनने के लिए तूने अपनी सगी बहन के साथ ये क्या किया? क्या किया तूने उसके साथ? हाँ, डर नहीं, बता दे बता दे। अच्छा चल ये बता दे, वो अनिल निर्मला को लेकर कहाँ छुपा हुआ है? ये क्या नाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? मैं अपनी बहन को नुकसान पहुंचाऊंगी? अपनी निर्मला को? दिमाग खराब हो गया आपका? जो मुझे लगता है कि अपने पिता की जायदाद पे कब्जा करने के लिए तूने निर्मला को मरवा दिया है, खून कर दिया उसका। सलील, कमीने, राक्षस, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी। निकल! शांति शांति शांति। मेहरबानी, मेहरबानी की क्या बात है? और बताओ फैक्ट्री में काम कैसा है? वैसे ही जैसा दूसरी फैक्ट्रियों में होता है। और पैसे का क्या बताया? ठेकेदार कह रहा था कि ओवर टाइम में ला के वो मुझे 6,000 रुपये दे दिया करेगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। अब तो मुझे यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कहोगी ना? अरे मैंने पहले भी कब कहा था, ये तो मैं कासू की वजह से। बता देना उसे भी के खाने पीने के और यहाँ पे रहने के मैं 3,000 रुपये दिया करूँगी। बीबी खुदा तुमको खुश रखे, खुश रखे बीबी। मुझे खुशी की नहीं, पनाह की ज़रूरत है इस वक्त। बेफिक्र हो जाओ बीबी, बेफिक्र हो जाओ तुम। आखिर आप हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं सरपंच जी? जब तक
तू मुझे ये नहीं बताएगी कि निर्मला और अनिल कहाँ हैं? तेरी जान नहीं छूटनी। अनिल मेरा ये मकान बेचकर सारे पैसे लेके भाग गया है। अच्छा, और निर्मला? निर्मला अरमान के साथ चली गई है। तो परंतु मेरे विचार तो कुछ और ही कहते हैं। दिमाग खराब हो गया आपका? मेरे विचारों के अनुसार दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि निर्मला और अनिल में प्रेम चल रहा था, जिसकी वजह से वो तुझे छोड़ के भाग गए। और दूसरी बात ये है कि उस मकान के पैसों के चक्कर में तूने और अनिल ने साजिश रचाई कि निर्मला का प्रेम किसी मुसलमान छोकरे से चल रहा है, हैं? और इसी आड़ में उसका खून कर दी। क्या बात है, अब चुप क्यों हुई? बोल। हाँ हाँ कर रही थी, बोल। बस अच्छा, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। अब इससे पहले कि मैं आपको धक्के देके निकालूं, आप खुद यहां से चले जाइए। इतनी भी जल्दी क्या है? चलो तो मैं जाऊंगा, लेकिन खाली आ जाओ। तो ये है तुम्हारी असलियत? हाँ, तुझे जो समझना है तू जान ले। अपनी तो सीधी सी बात है भाई, उस मकान के पैसों में से 30 लाख ले ले, नहीं तो सीधा पुलिस स्टेशन। क्यों हो, क्या बात है? शोर तो तुम्हारे अंदर मचा हुआ है अनीसा बेगम, लगता है बहुत जोर का तूफान आया हुआ है। जीने से दिल भर गया है खावर के अब्बा, जी चाहता है कि मट्टी ओढ़ के सो जाऊं। नहीं अनीसा बेगम, हिम्मत ना हारो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी बेटी को ढूंढ लूंगा। पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी मेरी बच्ची। अल्लाह से खैर की दुआ मांगो, इंशाल्लाह खैरियत से होगी। ना खाबिर उस दिन जोर से उसे डांटता, ना वो ये घर छोड़कर जाती। बात खावर के डांटने की नहीं है अनीसा बेगम, जवेरिया खुसर बद दिमाग शुरू से थी, और ये बात हम दोनों जानते हैं। और फिर तुम भूल गई कि उसने अल्ताफ को छोड़कर किसी दूसरे के साथ। कहाँ है तू? जूही तुम कहाँ हो? तुझे तो पता है ना कि मैं किस मुश्किल में हूँ। आई नो यार, मैं भी एक बहुत लंबी मुसीबत में फंसी हुई। क्यों, क्या हुआ? बताऊंगी, घर आऊंगी तो बताऊंगी, लंबी बात है। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। खुर्रम कहाँ है? पापा वो अपनी क्रिकेट की किट जो है वो मुइज़ को देने गया है।
उसे बहुत अजीज थी, याद है बेटा? उस किट के लिए उसने कितनी जिद की थी, कितना शोर मचाया था। जी, याद है। क्या बात है बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है? पापा, हम क्यों जा रहे हैं? बेटा, मैंने वहां कारोबार करने का एक प्रोग्राम बनाया है और इसके लिए हमारा वहां होना बहुत जरूरी है बेटा, वरना नुकसान हो जाएगा। लेकिन पापा, सफर पर जाते वक्त बेटा मुंह नहीं बसूरा करते, ये बच्चों को नहीं होती बेटा। पापा, हम नानी के घर तो जाएंगे ना उनसे मिलने? नहीं, हमारे पास टाइम कम है बेटा, एयरपोर्ट भी जाना है। पापा, मैं नानों से मिलना चाहती हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है बेटा, तुम जाने की जिद ना करो, उनसे फोन पर बात कर लो, ये मुमकिन नहीं है बेटा। पापा, मैकी, हम 100% श्योर है कि ये सब कुछ उस खबर की वजह से होता है। तुम पहले कंफर्म कर ले रॉबर्ट। तुम देखता नहीं है कि जेनी अक्खा अक्खा दिन घर से गायब रहता है, रात को भी लेट आता है। सो व्हाट्स न्यू रॉबर्ट? वो तो पहले भी ऐसे ही करता था। पहले वो पीटर के साथ होता था और पीटर उसका मंगेतर था। सो वो अब उसका हस्बैंड है। लेकिन अब जेनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ओह, आई थिंक शी इज एंग्री। गिव मी सम टाइम, थोड़ा टाइम दो उसको। लगता है मेरे को अब खावर के फादर से बात करना पड़ेगा। और ना रॉबर्ट, तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम अपना डॉटर का मैरिड लाइफ सेव करने के वास्ते ये स्टेप जरूर लेगा। बट रॉबर्ट, अब हमको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हम कल खावर का बाप से बात करेगा। चवेरी ने जो कुछ भी किया है वो तो जख्म बनकर हमारे दिल में रह गया है, लेकिन अल्ताफ हमसे बच्चे भी दूर ले गया है। कल जब वो फैक्ट्री से आएगी ना तो मैं शेरा को बुला लूंगा, फिर वो जाने और शेरा जाने, हम तो सिर्फ नोट गिनेंगे नोट। चल जैसी तेरी मर्जी। हाँ, ये बात हुई ना आपा भाई, आपा हो तो ऐसी। ATV, सारे रंग हमारे।